पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। साथ में आज हमारे बीच में श्री देवेंद्र राणा जी, हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह चुनाव प्रभारी, हमारे बीच में श्री त्रिलोक कपूर जी, भाजपा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री एवं कांगड़ा चंबा के प्रभारी, मेरे साथ में इस जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री नागपाल जी, हमारे सचिव श्री जयसिंह जी, हमारे मीडिया के प्रभारी इस जिला के श्री चंदूलाल जी और मैं राकेश शर्मा, प्रदेश मीडिया भाजपा प्रभारी। मैं आदरणीय देश राणा जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं एक पहले एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो पढ़ूंगा, उसके बाद जो है आपसे बातचीत करेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 दिन के अंदर दूसरी बार देवभूमि हिमाचल में आ रहे हैं। दशहरे वाले दिन पहले उन्होंने एम्स बिलासपुर को जनता को समर्पित किया और फिर कुल्लू में देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। अब यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भगवान शिव की धरा चंबा आने जा रहे हैं। दौलादार के राजा मणि महेश की इस पावन धरा पर हम सभी 13 तारीख को उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और अगर आप पूरे इलाके में जाएं, मैं पिछले 2 दिन से चंबा के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूं, एक ऊर्जा है, उत्साह है और ऐसा लगता है मानो कोई बहुत हर एक के घर में एक अतिथि आ रहा है, उनका जिनके उनकी तो लोगों का तरफ जो लोगों का स्नेह उनकी तरफ है। ये दिन न सिर्फ चंबा के लिए बल्कि पूरे हिमाचल और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। प्रधानमंत्री जी 180 मेगावाट के बजोली होली पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, साथ ही 2 और पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे, चांजू तृतीय चरण 48 मेगावाट और देवथल जांजू 30 मेगावाट। प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का भी शुभ आरंभ करेंगे। ये वो क्रांतिकारी योजना है जिसने हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के गांव-गांव की कनेक्टिविटी दी है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इनमें से 19,000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हैं। अब तीसरे चरण के तहत 3160 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य तय हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी यहीं से ऊना के हरोली में बने जा रहे बल्क ड्रग फार्मा पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। इस बात की बहुत खुशी है हम सबको कि इस डबल इंजन सरकार में इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के 14 दिन के अंदर ही राज्य सरकार ने केंद्र को DPR सौंपी और ये DPR जो है वो तुरंत मंजूर हो गई और साथ में 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की गई। 14 दिन के अंदर DPR बनी, 14 दिन के अंदर DPR सबमिट हुई, 14 दिन के अंदर केंद्र से मंजूरी आई और 300 करोड़ रुपया जो है वो इसकी पहली किश्त भी जारी हो गई ताकि काम जो है जो बल्क ड्रग पार्क है उस पर शुरू हो जाए। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार जो कहती है वो करती है और जनता के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे काम करती है जिनके बारे में विरोधी पार्टी सोच भी नहीं सकती। बिलासपुर एम्स भी इसका उदाहरण है जो रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ। भाजपा की सरकारों में जो वादे करती है उन्हें ज़मीन पर उतारती है, शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल से एक विशेष लगाव है। पार्टी प्रभारी रहते हुए उन्होंने लंबा समय हिमाचल प्रदेश में गुजारा है। वे चंबा जैसे मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों वाले जिले
में भी घूमे हैं। वो जानते हैं कि चंबा के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इसलिए वो ये भी जानते हैं कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिन ज़िलों को पिछड़ा कहा जाता था उन्हें उनके प्रति रवैया बदलने के लिए उन्हें आकांक्षी ज़िलों का नाम दिया गया, जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। और खुशी की बात यह है कि चंबा जो है तेज़ी से तरक्की की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि आकांक्षाई ज़िलों में से सबसे अच्छा काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और उनका जो हिमाचल प्रदेश की तरफ एक लगाव है वो इस बात को दर्शाता है कि वो 10 दिन के अंदर दूसरी बार हिमाचल में आ रहे हैं। मंडी उन्होंने पहले आना था लेकिन वो बारिश की वजह से वो कार्यक्रम जो था वो स्थगित हो गया और वो रुक गया। और वहाँ पे भी जिस किस्म का युवाओं में जोश था, तकरीबन 1.25 लाख की युवाओं की वो जो वहाँ हजूम था और वहाँ से जो आवाज़ निकल रही थी वो ये दर्शाती थी कि यहाँ के लोग कितना प्यार, कितना मोहब्बत और कितने खलूस के साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने आते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, देश पूरा उनकी तरफ देखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी केवल राष्ट्र के प्रधानमंत्री नहीं हैं, केवल इस राष्ट्र के हमारे नेता नहीं हैं, वो तो एक विश्व के बड़े नेताओं में से उनकी शमूलियत होती है। और 2014 में जिस महायज्ञ को उन्होंने रचा और जो राष्ट्र का महामृत्युंजय उन्होंने रचा वो आज रंग दिखा रहा है, क्योंकि भारत जो है विश्व गुरु बनने की कगार में है। और यहाँ पे भी पिछले 5 बरस में जिस किस्म से सरकार ने अपनी कुशलता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है और जिस तरह हिमाचल प्रदेश को एक नई माननीय प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश के मुताबिक जिस तरह से एक नई दिशा दी है, एक नए हिमाचल का गठन हुआ है और नए हिमाचल की नींव रखी गई है। इस 5 साल में एक नया हिमाचल की नींव रखी गई है और अगले 5 साल में उस नई नींव को मजबूत तरीके से नया हिमाचल पूरे भारतवर्ष में दिखेगा। ये हमारी कोशिश और हमें पूरा यकीन है। मैं पिछले 1.25 महीने से विभिन्न इलाकों में घूमा हूँ, आपसे भी एक बार मिला हूँ, लोगों में ने फैसला कर लिया, लोगों ने मन बना लिया है, रिवाज हिमाचल में भी बदलेगा, सरकार दोबारा भाजपा की बनेगी, उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, उत्तराखंड में रिवाज बदला। वैसे तो 2014 के बाद हर रिवाज बदलता ही आया है और इस बार लोगों ने भी ये फैसला हिमाचल के किया है कि दोबारा ये डबल इंजन की सरकार यहाँ कायम करके उस नए हिमाचल को और मजबूत करना, नए हिमाचल को भारत का एक सितारा बनाने का मन बना लिया है। धन्यवाद। ऐसी क्या व्यवस्था की गई है कि कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रैली के दौरान, जो दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से क्या? हर किस्म की, देखिए ये बेसिकली तो एक सरकार का फंक्शन है, लेकिन पार्टी जो है, पार्टी के जितने यहाँ तरुण कपूर जी बैठे हैं जो कि यहाँ हैं, और सारे हमारे संगठन मंत्री जो हैं अपने पवन राणा जी यहाँ हैं, आज अध्यक्ष भी यहाँ आ रहे हैं, जगह जगह लोगों ने उनके साथ संपर्क हो रहा है, लोग खुद आना चाहते हैं। लोगों के एक भावना है, एक होता है पुल, एक होता है पुश, वो तो पुल इफेक्ट है जिससे आप बात करिए। मैं कल सोमटी में था, डलहौजी में था, मैं मनोला में था, लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का अगर बस चले वो पैदल ही चल पड़े। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। और मुझसे एक बुज़ुर्ग मिले जिनकी उम्र कोई तकरीबन 86 या 87 साल थी, तो उन्होंने कहा कि मैं साढ़े दस बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देख पाऊँ, और ये मेरे चंबा आ रहे हैं तो मैं जाऊँगा। मुझे कल डलहौजी के बाज़ार में एक लड़का मिला, यश नाम बताया उसने, क्या नाम बताया, यश है,
वो पुणे से है और उसने कहा कि मुझे यहाँ आके पता लगा, वो एक ग्रुप था 5-7-8 लोगों का, उसने कहा मुझे यहाँ आके पता लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चंबा आ रहे हैं। मैं जा रहा था वापस, लेकिन मेरी बकेट लिस्ट होती है क्योंकि लाइफ की एक बकेट लिस्ट है। उसने कहा माय बकेट लिस्ट वन ऑफ दी प्रायोरिटीज इज टू सी दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम गोइंग टू गो टू चंबा चेंजिंग माय प्रोग्राम। तो ऐसा लोगों में भावना, लोगों में प्यार है, लोगों में एक जज्बा है और ये जज्बा है क्योंकि एक राष्ट्र का पुनर्निर्माण इनके कर कमलों से हो रहा है, भारत का उद्धार इनके कर कमलों से हो रहा है। इसलिए हर शख्स चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुने। सर एक नई ऊर्जा आती है जहाँ जहाँ वो आते हैं, एक नई ऊर्जा आती है, उनके नाम से ही एक ऊर्जा का स्रोत निकलता है। सर बुजुर्ग लोगों को स्वस्थल तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से शहर से बाहर ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, ऐसे में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से क्या दिशा निर्देश? हमारे पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बहुत इस कर्मठ भी हैं और इस व्यवस्था को बड़ी बड़ी भांति जानते हैं। उन्होंने बार बार ऐसी व्यवस्था की है और कहीं पे भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। अभी मैंने तो 3 ही देखी जो व्यवस्थाएँ हिमाचल प्रदेश भाजपा ने की, जैसे मंडी में, बिलासपुर में और कुल्लू में। आप ये देखिए कि कुल्लू के इतना बड़ा हजूम, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी सारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स को छोड़ के लोगों में चले गए और लोगों को तब भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इस बात के लिए बड़े उत्सुक इच्छा होती है उनकी कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और हमारे जितने भी साथी हैं वो इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज है कि किसी को किसी किस्म की भी तकलीफ ना हो, जो आए वो आराम से आए, आराम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने और आराम से अपने घर वापस लौट जाए। सर इस जनसभा में कितने लोगों का आने का अनुमान है सर आपका? 75,000। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। आप भोजन भी, ये पहली मरतबा है कि चंबा के चौगान में भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये भी एक तारीखी चीज़ है कि चंबा के चौगान में पहली मरतबा, शायद मेरी जानकारी ये मुझे मिली है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं मांगी है, प्रधानमंत्री तीसरे प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री 40 साल पुरानी बात, 40 एक लॉन्ग टाइम के बाद आ रहे हैं सर, 40 साल के बाद। कई प्रधानमंत्री आए जो नहीं आए तो फिर इसको रहने दीजिए। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने।